विश्वकर्मा जयंती पर जांगिड़ समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन संपन्न। शोभा यात्रा के पश्चात समाज के 5 जोड़ों ने लिए मांगलिक फेरे। नीलामी प्रक्रिया को पुनः शुरू करवाने की मांग को लेकर ग्राम पंचायत ठिकराना मेंद्रतान के निवासियों ने जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन। क्षेत्रीय मारवाड़ खटीक समाज का मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न। कलश वे शोभा यात्रा के बाद भवन का किया लोकार्पण। और ब्यावर रेलवे स्टेशन के विकास कार्य का शिलान्यास 26 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। अमृत स्टेशन योजना का वर्चुअल शिलान्यास। नमस्कार, जे स्काई न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं करिश्मा परिहार। आइए रुक करते हैं शहर की तमाम खबरों की ओर। श्री जांगिड़ ब्राह्मण समाज की ओर से गुरुवार को भगवान विश्वकर्मा जयंती उत्साह से मनाई गई। इस दौरान समाज की ओर से सामूहिक विवाह सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। विश्वकर्मा जयंती के मौके पर आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में समाज के 5 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। जयंती पर सामूहिक विवाह सम्मेलन के मौके पर समाज की ओर से शोभा यात्रा निकाली गई। शहर के मेवाड़ी गेट बाहर स्थित श्री विश्वकर्मा मंदिर से निकाली गई शोभा यात्रा में विभिन्न रंगीन परिधानों में सजी धजी महिलाओं ने सिर पर मंगल कलश धारण कर शिरकत की। बैंड बाजों पर बजती मधुर गीतों तथा भजनों की धुनों पर शुरू हुई शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए एकता सर्किल से होकर पुनः विश्वकर्मा मंदिर पहुंची। शोभा यात्रा का मार्ग में जगह जगह समाज बंधुओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। शोभा यात्रा में भगवान विश्वकर्मा सहित अन्य प्रकार की झांकियां भी शामिल थी जो आमजन के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। शोभा यात्रा में दूल्हे घोड़ी पर तो दुल्हने बग्घी में सवार होकर चल रही थी। शोभा यात्रा के विश्वकर्मा भवन पहुंचने पर तोरण की रस्म के बाद पाणिग्रहण संस्कार संपन्न करवाए गए। पाणिग्रहण संस्कार के पश्चात आशीर्वाद समारोह की रस्म के साथ भी दूल्हा दुल्हनों की विदाई दी गई। शोभा यात्रा तथा सामूहिक विवाह सम्मेलन के दौरान मंदिर प्रधान शंभूलाल लेखेरा, मंत्री अशोक जड़िया, कोषाध्यक्ष जुगल किशोर इंद्राणिया, सामूहिक विवाह सम्मेलन समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश पलोल, मंत्री राजेंद्र बुड़ल, कोषाध्यक्ष ईश्वर निशान, मांगीलाल दीवान, रामपाल माकड़, गोविंद लाल बुड़ल, मुकेश लखेरा, गौरीशंकर सावड़, शिव प्रकाश आसलिया, राजकुमारी पटोदिया, रीनू पटोदिया, सुलोचना बरड़वा, संजय बुड़ल, मुकेश माकड़, अनिल इंद्राणिया, अमरचंद सकाविया तथा राजेश निशान सहित बड़ी संख्या में समाज बंधु शामिल रहे। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के ब्यावर डिपो का एक परिचालक गत 16 फरवरी से ई टिकट मशीन सहित लापता है। स्थानीय रोडवेज प्रबंधन की ओर से बुधवार को इस मामले में सिटी थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जयपुर जोटवाड़ा निवासी दिलीप कुमार ने 3 माह पहले ब्यावर डिपो में ज्वाइन किया था। फिलहाल दिलीप कुमार ब्यावर केकड़ी मार्ग पर संचालित बस में बतौर परिचालक नियुक्त था। रोडवेज अधिकारी ने बताया कि 16 फरवरी को दिलीप कुमार रूट पर था। इस दौरान बस के केकड़ी जाने के बाद से ही वे लापता है। रोडवेज प्रबंधन की ओर से लगातार परिचालक के मोबाइल नंबर पर संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है, परंतु उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है। इसके बाद रोडवेज प्रबंधन की ओर से बुधवार को सिटी थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। रोडवेज अधिकारियों ने बताया कि परिचालक के पास कितनी राशि है इसकी जानकारी ई टिकट मशीन मिलने के बाद ही पता चल पाएगी। ब्यावर अगार के अंदर झालावाड़ से ट्रांसफर होकर आए थे दिलीप कुमार जी शर्मा। इनकी ड्यूटी ब्यावर केकड़ी मार्ग पर थी। ये शाम को केकड़ी इनकी नाइट थी। अगले दिन इनको वापस ब्यावर आना था, परंतु चालक द्वारा ये बताया गया कि इन्होंने रिंग कर रखी है तो चालने की स्थिति में नहीं है। तो चालक द्वारा वाहन ब्यावर लेके आए, उसमें आगार से परिचालक भेजा गया था। ये ब्यावर आकर ऑफ हुए हैं, लेकिन उन्होंने केस जमा नहीं करा, ये यहाँ से गायब हो गए। फिर इनसे दूरभाष पर संपर्क किया गया, जब इनके द्वारा ये कहा गया कि केस जमा करा दूंगा, लेकिन ये 2-3 दिन से कंटिन्यू कॉल करते हैं तो उठाते नहीं है और मोबाइल स्विच ऑफ कर देते हैं। और इसके बाद संबंध में हमने फिर नजदीकी सिटी थाने में परिवार दर्ज करा। श्री विश्वकर्मा नव युवक मंडल जांगड़ा पांचाल लोहार समाज की ओर से गुरुवार को श्री विश्वकर्मा जयंती मनाई गई। इस मौके पर समाज बंधुओं की ओर से सूरजपोल गेट स्थित सुभाष उद्यान से शोभा यात्रा निकाली गई। बैंड बाजों की मधुर धुन के साथ निकाली गई शोभा यात्रा में समाज बंधुओं ने शिरकत की। शोभा यात्रा की आगवानी अश्व सवार युवक कर रहे थे।
शोभा यात्रा में महिला सिर पर मंगल कलश लेकर चल रही थी। सुभाष उद्यान से शुरू हुई शोभा यात्रा तेजा चौक, एकता सर्किल, अजमेरी गेट, मुख्य डाकघर के सामने से रोडवेज बस स्टैंड होते हुए अजमेर रोड स्थित परशुराम भवन पहुंचकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा में महिलाएं मंगल गीत गाते हुए नाचते हुए चल रही थी। शोभा यात्रा में भगवान विश्वकर्मा, राधा कृष्ण, भगवान शिव पार्वती तथा गणेश परिवार की झांकी शामिल थी। शोभा यात्रा के परशुराम भवन पहुंचकर संपन्न होने के पश्चात सामूहिक भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा कार्यक्रम के दौरान अध्यक्ष प्रहलाद, नूरतमल, राजेश, प्रमोद, किशनलाल, विजय, मुकेश, लालचंद, सूरज, लक्ष्मण, शंकरलाल तथा कैलाश वर्मा, मंजू देवी, सीमा देवी, भावना देवी, विद्या देवी, सुनीता देवी, उमा देवी तथा मंजू देवी आदि शामिल रहे। ग्राम पंचायत ठीकराना महेंद्रतान के निवासियों ने आवासीय कॉलोनी की स्थगित की गई नीलामी प्रक्रिया को पुनः शुरू करवाने की मांग की है। अपनी उक्त मांग को लेकर गुरुवार को ठीकराना के निवासियों ने जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया। जिला कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत ठीकराना में 26 जून 2023 को पंचायत समिति जवाजा द्वारा आवासीय कॉलोनी एकता नगर में भूखंडों की बिक्री नीलामी प्रक्रिया द्वारा दी गई थी। उक्त प्रक्रिया में उच्चतम बोली के आधार पर भूखंडों की खरीद की गई थी, जिसकी 10% राशि 24 घंटे के मध्य ग्राम पंचायत में जमा करवा दी गई थी। शेष राशि 60 दिनों के भीतर जमा करवाने के निर्देश थे। ज्ञापन में बताया गया कि खरीदकर्ताओं की ओर से 60 दिन के दौरान ग्राम पंचायत में राशि जमा करवाने हेतु संपर्क किया गया तो ग्राम पंचायत द्वारा बताया गया कि विकास अधिकारी जवाजे की ओर से अग्रिम आदेशों तक इस पर रोक लगा दी गई। ज्ञापन में ग्रामीणों ने उक्त नीलामी प्रक्रिया को पुनः शुरू करवा कर शेष राशि जमा कर भूखंडों के कब्जे दिलाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में नारायण सिंह, सुशीला देवी, बलदेव सिंह, बलवत सिंह, राजेंद्र सिंह, दिनेश सिंह, दूल सिंह, अनूप देवी, जय सिंह गहलोत, ओम प्रकाश तथा महेंद्र सिंह आदि शामिल रहे। महर्षि दयानंद बाल मंदिर माध्यमिक विद्यालय ब्यावर में गुरुवार को कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ शिक्षण समिति के सचिव अभयदेव आर्य द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार सहित हवन से कराया गया। इसके बाद छात्राओं ने तिलक लगाकर अतिथियों का स्वागत किया। विद्यालय सचिव संजय बाहेती ने विद्यार्थियों को आगामी बोर्ड परीक्षा में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर हमेशा की तरह अपने माता पिता, गुरुजनों व विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए आशीर्वचन दिया। आर्य समाज के वरिष्ठ सदस्य विष्णुदेव आर्या ने विद्यालय की विशेषताओं पर प्रकाश डाला। समारोह में आर्य समाज प्रधान भूदेव आर्य, डॉक्टर लालचंद हेड़ा, अभिमन्यु गहलोत तथा समाज सेवी नरेंद्र तापड़िया ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस दौरान कक्षा 9वीं की छात्राओं ने तिलक लगाकर 10वीं की छात्राओं को विदाई दी। छात्राओं ने देशभक्ति तथा राजस्थानी गीतों पर नृत्य की सुंदर प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया। सभी परीक्षार्थियों ने अपने गुरुजनों व अतिथियों से आशीर्वाद लिया। अंत में संस्था प्रधान श्रीमती सुमति महावेश्वरी ने अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। मंच संचालन श्रीमती ज्योति बसंदानी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में समस्त शाला परिवार उपस्थित रहा। क्षेत्रीय मारवाड़ खटी समाज ट्रस्ट की ओर से गुरुवार को मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा एवं भवन लोकार्पण समारोह का आयोजन किया गया। शहर के मेवाड़ी गेट भीतर जैन दिवाकर लाइब्रेरी मार्ग स्थित समाज भवन पर आयोजित समारोह के तहत विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत गुरुवार सुबह अजमेरी गेट स्थित राम द्वारा से कलश यात्रा निकाली गई। बैंड बाजों की मधुर धुन के साथ शुरू हुई कलश यात्रा में समाज की महिलाओं ने सिर पर मंगल कलश लेकर भाग लिया। कलश यात्रा में महामंडलेश्वर कपिल मुनि महाराज, राम द्वारा के संत गोपाल राम महाराज सहित अन्य संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ। राम द्वारा से शुरू हुई कलश यात्रा अजमेरी गेट, फतेहपुरिया चौपड़, एकता सर्किल, महावीर बाजार से होते हुए मेवाड़ी गेट स्थित समाज भवन पहुंची। कलश यात्रा में शामिल सभी लोग नाचते गाते हुए चल रहे थे। कलश यात्रा का मार्ग में जगह जगह शहरवासियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। कलश यात्रा के समाज भवन पहुंचने पर हवन तथा उसके बाद शिव परिवार, भगवान राधा कृष्ण तथा बालाजी की प्रतिमाओं की विधि विधान पूर्वक स्थापना की गई। मूर्ति स्थापना के पश्चात गुजरगोड़ छात्रावास में भोजन प्रसादी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। धार्मिक कार्यक्रमों में श्रीमती मोना देवी नागोरा, पूनमचंद किरान, शिव प्रकाश समरिया, चंद्रेश नागोरा, देवेंद्र भीलवाल, प्रकाश सोलंकी, गोवर्धन लाल, संपत लाल, रमेश चंद, बजरंग सोलंकी, चंद्र प्रकाश समरिया, अजय कुमार, राजकुमार, शंकर लाल तथा भागचंद समरिया सहित अन्य समाज
निकटवर्ती ग्राम सुहावा के गांव लखीना के ग्रामीणों ने ग्राम लखीना में घोषित आबादी भूमि पर एक ही परिवार द्वारा आए दिन अवैध रूप से नवनिर्माण कर कब्जा करने की शिकायत की है। आबादी भूमि से अवैध रूप से कब्जा हटाने तथा आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग को लेकर लखीना के ग्रामीणों ने गुरुवार को जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। जिला कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम लखीना के खसरा नंबर 585 में नव घोषित आबादी भूमि में एक ही परिवार द्वारा अवैध रूप से अनियमित रूप से आए दिन नित नया निर्माण कर पूरी आबादी भूमि पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया गया है और अब भी अवैध निर्माण निरंतर रूप से किया जा रहा है। जबकि गांव के कई ऐसे परिवार जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, वे मजबूरन अपने खेतों में मकान बनाकर रहने को मजबूर है। अतः आबादी भूमि से अवैध कब्जों को हटवाकर जरूरतमंद लोगों को भूमि उपलब्ध करवाने का श्रम करें। ज्ञापन देने वालों में श्रवण कुमार, सुरेश, अजमाल, रसूल, अमीन, धन्नालाल, सलीम, कंचन, सोहनलाल, शैलेंद्र काठा तथा लक्ष्मण आदि शामिल रहे। समस्त ग्रामवासी ग्राम पंचायत सुहावा लखीना से यहाँ आए हुए हैं। हमारे गांव में जो अत्य आबादी भूमि निकाली गई है नहीं, उसमें एक ही परिवार द्वारा 4-5 बीघा आबादी भूमि है, उस पर निरंतर रूप से कब्जा किया जा रहा है। गांव ने पहले भी गांव में माथा पच्ची हुई थी, उसके बावजूद भी एक बार उनको ढुकवाया, फिर बाद में धीरे धीरे और नया निर्माण करके पूरी आबादी भूमि पर कब्जा कर लिया। उसकी शिकायत पहले भी ग्राम पंचायत को भी कर रखी है, SDM साहब को भी पहले किया था, उनको पाबंद किया, लेकिन फिर वापस वो नए सिरे से वापस काम स्टार्ट करते हैं। नगर परिषद बचत साख सहकारी समिति के संपन्न चुनावों में अरविंद सांगेला को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। इसी प्रकार अंकित पंडित को उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष पद पर मुकेश डुलगज तथा सचिव पद पर नरेश खोकर को चुना गया है। गुरुवार को चुनाव अधिकारी श्रीमती गायत्री रेडिया की उपस्थिति में संपन्न हुई चुनाव प्रक्रिया में समिति में मनोज सांगेला, भानु प्रताप पंडित, विकास पवार, श्रीमती लाली देवी, विनोद डुलगज तथा दिग्वेंदर सिंह सदस्य के रूप में चुने गए हैं। गुरुवार को नगर परिषद सभागार में आयोजित एक समारोह के दौरान चुनाव अधिकारी श्रीमती गायत्री रेडिया ने कार्यकारिणी सदस्यों तथा निर्वाचित सदस्यों को पद तथा गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान नगर परिषद कर्मचारियों ने निर्वाचित पदाधिकारियों तथा सदस्यों का माला पहना कर स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान सहायक प्रशासनिक अधिकारी दमयंती परमार, स्वास्थ्य निरीक्षण हरिराम लखन सहित अन्य उपस्थित रहे। आज 22 तारीख को निर्विरोध चुनाव संपन्न हुए हैं। 15 तारीख को सबसे पहले इनकी निर्विरोध कार्यकारिणी का गठन हुआ और उन्हीं लोगों ने अपने सदस्यों में से श्री अरविंद सांगेला जी को अध्यक्ष, अंकित कुमार जी को उपाध्यक्ष और मुकेश कुमार जी को कोषाध्यक्ष और नरेश कुमार जी को सचिव चुना है। पूरी समिति ने बहुत ही कोऑपरेट किया। पहले उम्मीदें जताई जा रही थी कि शायद यहाँ पे चुनाव हो सकते हैं, लेकिन सभी सदस्यों ने अपनी समझदारी व विवेक का परिचय देते हुए यहाँ पर निर्विरोध चुनाव संपन्न करवाए हैं। इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। आम आदमी पार्टी राजस्थान ने ब्यावर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग की है। अपनी मांग को लेकर आम आदमी पार्टी पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया। जिला कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में पार्टी पदाधिकारियों ने बताया कि राजस्थान में नवगठित जिलों में ब्यावर जिला सबसे बड़ा व सबसे अधिक गाँवों से जुड़ा हुआ जिला है। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, जिसके कारण जिले के अस्पताल में मरीजों की संख्या व दुर्घटना के सबसे ज़्यादा संख्या में केस आते हैं। जिला अस्पताल में पूर्ण सुविधा नहीं होने के कारण मरीजों को अजमेर रेफर करना पड़ता है, जिससे बहुत बार मरीज अजमेर पहुंचने से पूर्व ही इलाज के अभाव में दम तोड़ देते हैं। अस्पताल में कॉटेज बोर्ड व लेट बाथ की सुविधा का हाल भी बुरा है, जिससे मरीजों व उनके परिजनों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अतः आमजन के हितों को ध्यान में रखते हुए ब्यावर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलकर आमजन को राहत पहुंचाए। ज्ञापन देने वालों में ब्लॉक अध्यक्ष शौकीन काठात, खियाराम सिंगारिया, चंगेज खान, बाबूलाल सेन, जमीला बानो, सुलेमान काठात, दाऊ खान, मनोज कुमार तथा रुखसाना सहित अन्य सदस्यगण शामिल रहे। जो मरीज ब्यावर में हद से ज़्यादा संख्या है, उसको अजमेर रेफर करते हैं, 2-2.5 घंटे लगते हैं अजमेर जाने में, तो अधिकतर जो पेशेंट है दम तोड़ देते हैं। इसलिए मेडिकल कॉलेज के लिए हमने ज्ञापन दिया है, जल्द से जल्द ब्यावर में मेडिकल खोले।
ग्राम पंचायत नाड़ी के मनरेगा श्रमिकों ने मेट जमीला बानो के नेतृत्व में गांव में चल रहे मनरेगा कार्यों के दौरान होने वाली अनियमितताओं की शिकायत देते हुए इसकी जांच करवाने की मांग की। जिला कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में मनरेगा मेट जमीला बानो ने बताया कि गांव के कुछ प्रतिष्ठित लोगों द्वारा मनरेगा कार्यों में हस्तक्षेप किया जा रहा है, जिसके कारण गांव के मजदूरों में विरोधाभास पैदा हो रहा है। अतः उक्त प्रकरण की जांच करवाकर मनरेगा कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उन्हें पाबंद किया जावे। मैंने 10 बार ट्रेनिंग करके रखी है नरेगा में मेट का कार्य करते हुए। सर, ऐसा है, हमारे गांव के 15-20 आदमी है, जो कोई सैनिक है, कोई रिटायरमेंट फौजी है, कोई मतलब रेलवे में है, वो शराब पी के आए दिन नरेगा में, जिसका नाम नहीं है, वो आके 10-15 दिन पहले मेरे से झगड़ा किया था और मेरे को बोलते तेरे को हटा दूंगा, ऐसा कर दूंगा। और जब हम विकास अधिकारी के पास में गए तो उन्होंने मेरे को बैठ के समझा दिया कि चलो 50-50 लेबर कर लो, तो मैं एग्री हो गई 50-50 लेबर के लिए। फिर मैं घर पे आ गई और 15-20 आदमी जाके उस विकास अधिकारी को कुछ बोला या कुछ नहीं बोला, मेरे को इसके बारे में मालूम नहीं है, लेकिन मेरा नाम हटा दिया और उसको 100 जो लेडीज है वो ट्रेनिंग पास नहीं है उनको उसका नाम लिख दे दिया उसको के उसको मेट में लगाया जाए, और वो साइड पे जाती भी नहीं है और उसका काम है 6ठी पास से वृद्धा घटा वो कर रहा है, मतलब वो जो डेली अटेंडेंस लेते हैं तो वो खुद कर रहा है, मतलब दूसरा मेट अटेंडेंस ले रहा है और मेरे को ट्रेड में मेरा खुद का काम मैं खुद अपने बलबूते पे करती हूँ सर सब काम, फिर भी मेरे को हटाया गया है और कुछ रीजन भी नहीं बोल रहे हैं भाई क्या है क्या नहीं है। सरपंच साहब को बोला तो सरपंच साहब की तो कोई गलती नहीं है, उनको भी धमका रहे हैं वो कि तुम दे दो ने तुम्हारे को ऐसा कर दूंगा, गाली गलौज करते हैं, उनको भी करते हैं, हमारे को भी करते हो, और हमारे घर में कोई ऐसे आदमी नहीं है सर, उनकी बड़ी मतलब गिवाड़ी बोलते हैं ना बड़े सब सारे लोग हैं, तो वो अपने लकड़ी के बल पर वो हमारे से वो मिस्टोल उन्होंने छीन लिया है। विकास अधिकारी के पास में जाके बोल दिया कि नहीं, पूरे गाँव की लेबर इनसे एग्री नहीं है, जबकि पूरे गाँव की लेबर मेरे साथ में है, उसको लेबर को कुछ बची हुई लेबर को ऐसा बोल दिया घर जा जाके कि जमीला को तो हटा दिया वो तो नहीं रहेगी, तुम नरेगा में आओ, तो वो कुछ लेबर उनके पास में जा रही है, उसको गलत फहमी पैदा करके भेज दिया, और 51 लेबर मेरी यहाँ पे बैठी है और इस टाइम प्रेजेंट टाइम में 81 लेबर उस नरेगा में कार्यरत है। शहर के मसूदा रोड स्थित संत रविदास सर्किल बोर्ड को असामाजिक तत्वों की ओर से उखाड़ फेंकने का संत रविदास जयंती समारोह समिति पदाधिकारियों ने आक्रोश जताया है। असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर गुरुवार को समिति पदाधिकारियों ने जिला पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन दिया। SP को दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि अज्ञात असामाजिक तत्वों ने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के उद्देश्य से सर्किल पर लगे लोहे के बोर्ड को उखाड़ दिया है, जिसे समस्त बहुजन समाज की भावना आहत हुई है। ज्ञापन में बताया गया कि आगामी 24 फरवरी 2024 को संत रविदास जयंती मनाई जाएगी, जिसमें समस्त बहुजन समाज का सामाजिक सौहार्द कायम होगा। इस हेतु सर्कल की सुरक्षा के मद्देनजर सर्किल के आसपास के क्षेत्र के कवरेज के लिए CCTV कैमरे लगवाए जाए तथा उचित पुलिस सुरक्षा व्यवस्था करवाई जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो सके। साथ ही असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्यवाही की जावे। ज्ञापन देने वालों में ईश्वर तंवर, अनिल तुंगरिया, हेमराज फुलवारी, राधेश्याम भट्ट, अनिल खोरवाल, अशोक कुमार, हुक्मी चंद तंवर, भवरलाल, खेमचंद चोराटिया तथा सुरेंद्र कुमार सहित अन्य शामिल रहे। हम सब बहुजन समाज के लोग यहां पर माननीय जिम साहब को ज्ञापन देने के क्रम में यहां आए हैं। आपको बताते हैं कि संत रविदास सर्किल जो राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत है, पुराना चुंगी नाका मसूदा रोड पर, वहाँ पूर्व में एक लोहे का साइन बोर्ड लगा हुआ था, अब रातों रात किसी समाज कंटकों ने उसको उखाड़ के फेंक दिया। और गौर करने वाली बात है कि 2 दिनों बाद ही हमारे सबके आराध्य देव और गुरुदेव रविदास जी की जयंती की जोर शोर से तैयारियाँ चल रही है। ऐसे में हमारे उत्साह को तोड़ने का काम किसी ने किया है, ये असहनीय बात है। इसलिए समाज के कुछ चुनिंदा लोग हम यहाँ लोग ज्ञापन देने के क्रम में यहाँ आए हैं माननीय उपखंड अधिकारी महोदय को कि भाई आसपास के CCTV कैमरों से जांच करके जो दोषी है समाज के वातावरण में जहर घोलने का काम कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो इसके लिए प्रयास किए जाएँ।
श्री विश्वकर्मा बिल्डिंग लेबर यूनियन की ओर से गुरुवार को विश्वकर्मा जयंती मनाई गई। शहर के कॉलेज रोड शनि महाराज मंदिर जटिया कॉलोनी में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रमिकों तथा कारीगरों ने भाग लिया। इस दौरान उपस्थित सभी ने भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना करते हुए वरिष्ठ श्रमिकों तथा वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान किया गया। इसके बाद प्रसाद वितरण किया गया। सम्मान कार्यक्रम के बाद श्रमिकों के लिए श्रम विभाग के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 70 पंजीकृत श्रमिकों के ई श्रम कार्ड बनवाए गए। जयंती की पूर्व संध्या पर भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें देर रात तक भजन गायकों ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के दौरान अध्यक्ष राजू तिलकधारी, शिव तुनगरिया, करण सिंह, पुरुषोत्तम कुमावत, अफजल भाई, जयराज, मांगीलाल कुमावत, दिनेश कुमावत, कॉमरेड जगदीश प्रसाद, दयाराम तथा भगवान दास आदि उपस्थित रहे। केंद्र सरकार की अमृत रेलवे स्टेशन योजना के तहत ब्यावर रेलवे स्टेशन के विकास कार्य का शिलान्यास 26 फरवरी को किया जाएगा। उत्तर पश्चिमी रेलवे अजमेर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक सुनील कुमार महला के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 फरवरी को भारतीय रेल के 554 रेलवे स्टेशन का शिलान्यास और एक स्टेशन का लोकार्पण और 1500 रेल फ्लाई ओवर रेल अंडरपास का शिलान्यास एवं लोकार्पण करेंगे, जिसमें ब्यावर रेलवे स्टेशन भी शामिल है। योजना के अंतर्गत ब्यावर स्टेशन पर 15.55 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए जाएंगे, जिसके तहत ब्यावर रेलवे स्टेशन पर नवीन भवन का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसमें आरक्षण टिकट विंडो सहित यात्री प्रतीक्षालय सहित अन्य सुविधाएं शामिल होगी। द्वितीय मंजिल वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए आरक्षित होगी। इसके साथ ही यात्रियों की सुविधा के स्टेशन के दूसरी ओर मील कॉलोनी की ओर पूर्ण सुविधा युक्त द्वितीय प्रवेश भवन का निर्माण होगा। एंड टू एंड कनेक्टिविटी देने के लिए 2 12 मीटर चौड़ा FOP भी बनाया जा रहा है। साथ ही बुजुर्ग एवं दिव्यांग यात्रियों की सुविधार्थ प्लेटफॉर्म 1 एवं 2 लिफ्ट उपलब्ध करवाई जाएगी। सभी सुविधाएं दिव्यांगजनों के अनुकूल प्रदान कराई जाएगी। साथ ही बेहतर स्टेशन सर्कुलेटिंग एरिया का विकास होगा। स्थानीय अधिकारी सुरेश तोशावड़ा एवं मुख्य जनसंपर्क निरीक्षक अशोक कुमार चौहान ने बताया कि यात्री सुविधाओं को देखते हुए FOP को सीधे ही स्टेशन से बाहर की ओर सर्कुलेट एरिया में उतारा जाएगा, जिससे सीधे ही यात्री बाहर की ओर निकल सकेंगे। वर्तमान में रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म की लंबाई 545 मीटर है, जिसे भी बढ़ाकर 1 नंबर के बराबर 605 मीटर किया जाएगा। साथ ही तीनों प्लेटफॉर्म पूर्ण रूप से 3 शेड से कवर होंगे, जिससे यात्रियों को बरसात एवं गर्मी में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। भविष्य में स्टेशन की सुविधाओं को अत्याधुनिक एवं राजस्थान रोडवेज कर्मचारियों ने गुरुवार को विश्वकर्मा जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई। रोडवेज कार्यशाला में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित कर्मचारियों ने भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना करते हुए आरती उतारी तथा प्रसाद का वितरण किया। कार्यक्रम के दौरान प्रबंधक संचालन हरि सिंह चौहान, मोहनलाल तंवर, आनंद सिंह शिव मोहन, दीपक जांगी, प्रवीण चंद, हरि सिंह, कैलाश सिंह, सुनील कुमार, इकबाल अहमद तथा समस्त महिला कर्मचारी उपस्थित रहे। जिले में घटित विभिन्न हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई। संबंधित थाना क्षेत्र की पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम करवाने के बाद लाशें अंतिम संस्कार हेतु परिजनों के सुपुर्द की। पुलिस ने प्राप्त शिकायतों के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शेरों का बाला कुकड़ा भीम निवासी 30 वर्षीय बाबू सिंह पुत्र भूर सिंह रावत को एक ट्रक कंटेनर ने टक्कर मार दी, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। जवाजा थाने के दीवान रामकरण ने AKH मोर्चरी में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया। जवाजा थाना क्षेत्र के बाड़िया मोटा कोटड़ा निवासी 68 वर्षीय हेम सिंह पुत्र गेम सिंह रावत की खेत पर सिंचाई करने के दौरान अचानक तबीयत खराब होने के कारण मौत हो गई। जवाजा पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद लाश परिजनों के सुपुर्द की। खरवा से ब्यावर आने के दौरान बड़ली विजयनगर निवासी 45 वर्षीय सत्यनारायण पुत्र मदनलाल खटीक की स्कूटी को कार ने टक्कर मार दी। हादसे में मदनलाल की मौत हो गई। सदर थाने के दीवान बाबूलाल ने AKH मोर्चरी में शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद लाश अंतिम संस्कार हेतु परिजनों के सुपुर्द की। सदर थाना क्षेत्र के फतेहपुर प्रथम 18 वर्षीय सावर सिंह पुत्र जय सिंह की खेत में कीटनाशक दवा छिड़काव के दौरान तबियत खराब होने के बाद मौत हो गई। जानकारी के बाद सदर थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद लाश परिजनों के सुपुर्द की। नगर परिषद की ओर से गुरुवार को PM स्वनिधि योजना को लेकर एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। शहर के स्टेशन रोड स्थित बिदाम देवी बुरट धर्मशाला में आयोजित बैठक में नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया, नगर परिषद के अधिकारी कर्मचारी तथा विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों ने शिरकत की।
बैठक में केंद्र सरकार की ओर से निकायों के माध्यम से संचालित की जा रही पीएम स्वनिधि योजना को लेकर समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान जिन लोगों ने आवेदन किए हैं उन आवेदनों को शीघ्र ही जांच कर पात्र पाए जाने वाले आवेदकों को शीघ्र ही ऋण राशि उपलब्ध करवाने तथा जिन लोगों के दस्तावेजों की कमी है उन्हें दस्तावेज जमा करवाने के आदेश जारी करने पर चर्चा की गई। इस दौरान उपस्थित बैंक अधिकारियों ने अपने अपने बैंक की ओर से निस्तारित किए गए आवेदनों तथा पेंडिंग रहे आवेदनों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान सभापति नरेश कनौजिया ने उपस्थित बैंक कर्मियों से पेंडिंग रहे आवेदनों का शीघ्र ही निस्तारण कर पात्र लोगों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। सभापति नरेश कनौजिया ने बताया कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत ब्यावर शहर के स्ट्रीट वेंडरों की ओर से करीब 4000 आवेदन नगर परिषद में किए गए हैं। प्राप्त आवेदनों को जांच परख के बाद शहर के विभिन्न बैंकों में भिजवाए गए थे। उन आवेदनों में से करीब 900 लोगों को योजना से लाभान्वित कर दिया गया है। शेष रहे लोगों को योजना से लाभान्वित करवाने के लिए समीक्षा बैठक का आयोजन कर चर्चा की गई है। सभी बैंक अधिकारियों को शीघ्र ही पात्र लोगों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए गए। आज हमारे यहाँ एनिमल द्वारा पीएम स्वनिधि के लेकर विभिन्न बैंकों की बैठक अग्रणी बैंक आरएलएस के अधिकारी आए हुए हैं, उनके सानिध्य में हुई है। जैसा कि ब्यावर में शहर में काफी वेंडर हैं, उनको लाभ मिले पीएम स्वनिधि का 10-10 हज़ार का वेंडर को एक सहायता राशि एक लोन दिया जाता है। इसकी समीक्षा बैठक में हमने भी कहा कि जो पेंडेंसी है जो 1900 करीबन आप लोग दे चुके हैं, 1900 लोगों को करीबन 4000 के आसपास फार्म भर गए और जिनका स्कोर खराब है या जो इसमें अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं कर पा रहे उनको छोड़ के बाकी लोगों को इसका लाभ मिले, इसकी बैठक की है। प्रधानमंत्री जी की योजना है, मोदी जी की योजना है, हर वर्ग को हर विभाग के माध्यम से जो लाभ मिलना चाहिए, लाभार्थी जो लोग हैं वो हमसे अपेक्षा करते हैं कि उनका काम जल्दी हो, कई कारण से अटका है तो उसको लेके हमने अधिकारियों से और बैंक के लोगों से बात की है, जल्दी से जल्दी उनको लाभ मिले ऐसी हम आशा करते हैं। जिला कलेक्टर उत्सव कौशल गुरुवार को जिले के जवाजा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान जिला कलेक्टर ने डेलवाड़ा में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने कक्षा कक्ष में जाकर छात्र छात्राओं से सवाल जवाब कर उनके शैक्षणिक स्तर की जाँच की। साथ ही शिक्षक बनकर विशेष टॉपिक पर विद्यार्थियों की क्लास ली। जिला कलेक्टर ने विद्यालय स्टाफ की उपस्थिति, पंजिका, मिड डे मील तथा कंप्यूटर लैब इत्यादि व्यवस्थाओं की जांच की। उन्होंने मिड डे मील के तहत भोजन की गुणवत्ता बनाए रखने सहित विभिन्न व्यवस्थाओं को दूर करने के निर्देश दिए। कौशल ने विद्यालय परिसर के निरीक्षण के दौरान प्रधानाचार्य से विद्यालय स्टाफ एवं विद्यार्थियों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि समस्त शिक्षक गण शिक्षा विभाग से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों की धरातल पर बेहतर क्रियान्वित करें एवं स्वयं की जिम्मेदारी और भी बेहतर निभाते हुए शिक्षा का स्तर सुधार कर वातावरण तैयार करें तथा विद्यालय का परीक्षा परिणाम उत्कृष्ट रखें। इस अवसर पर प्रधानाचार्य सहित अन्य स्टाफगण मौजूद रहे। जिले के दौरे के दौरान जिला कलेक्टर ने देलवाड़ा ग्राम पंचायत कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्राम पंचायत के कार्यों की जानकारी लेकर समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सरकार के निर्देशानुसार सुशासन की दिशा में कार्य करते हुए लंबित प्रकरणों का जल्द निस्तारण करें एवं स्वयं के कार्यालय में आए आमजन की समस्याओं को सुनकर उनका निस्तारण करें। उन्होंने उपस्थित रजिस्टर की जांच की एवं समस्त स्टाफ को समय पर आने के लिए पाबंद करने के साथ ही कार्यालय परिसर की साफ सफाई बेहतर रखने के निर्देश दिए। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे लेना चाहेंगे पूरी टीम के साथ इजाजत। फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।